हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपना खूब अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सुबह की रूटीन है और आज मुझे जल्दी उठना पड़ा क्योंकि बच्चे की आज स्कूल स्टार्ट होने वाली है, तो आज मंडे का दिन है। बेटा अभी तक सो रहा है, वैसे तो मेरी नींद खुली थी 5:30 के करीब, लेकिन उतना जल्दी मैं नहीं उठ पाती हूँ, मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती है। वैसे मतलब सारी रात क्या बोलूँ, बेटा भी खुद नहीं सो पाया, मैं भी नहीं सो पाई। तो उसको मैंने पिछले दिन रात से ही बोल दिया था कि स्कूल जाना है नेक्स्ट डे के लिए, तो प्रिपरेशन कर लेना हो पड़ेगा। तो शायद इसी टेंशन की वजह से उसको नींद नहीं आई कि क्या हो सकता है। ऐसा बड़ों के साथ भी होता है ना, अगर लॉन्ग टाइम के लिए कुछ छुट्टी वैकेशन या कुछ हो तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वही चीज़ होती है बच्चों के साथ भी। तो ये मैं अभी चीला बना रही हूँ, ये ओट्स का चीला मैं बना रही हूँ। तो ओट्स को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन, मतलब 1 टीस्पून के करीब बेसन, नमक, हरी मिर्च और धनिया पत्ता को मैंने नहीं डाला इसमें क्योंकि बेटे को पसंद नहीं है। बस प्याज और हरी मिर्च और नमक और बेसन ही डाला है और उसको अच्छे से फेंट लिया था मैंने। तो 10-15 मिनट के बाद मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर आप इस तरह से नहीं भिगो के रखोगे ना, डायरेक्ट अगर आप बनाओगे तो वो कच्ची कच्ची सी रहेगी, अच्छी नहीं बनेगी, वो खाने में बिल्कुल बेकार लगेगी। तो ये ओट्स का चीला जो है थोड़ा सा ही मैं बनाऊंगी, उसके टिफ़िन के लिए मैं बनाऊंगी। तो इसको सॉस के साथ भी वो खा लेता है, वह ऐसे भी अच्छी लगती है। तो बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है ये। इसमें आप चाहो तो कैरेट वगैरह भी ग्रेट करके डाल सकते हो, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल ऐड किया जा सकता है। और रिफाइंड ऑयल में ही मैं बना रही हूँ, तो थोड़ी सी ना मतलब ये ज़्यादा ही इस तरफ से आप देख रहे हो जल गई थी क्योंकि मेरी आँच ना मतलब हाई पे थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं कुछ और ही कटिंग चॉपिंग वगैरह कर रही थी। तो दिमाग में बस यही चल रहा था कि जल्दी से सब बन जाए, उसके स्कूल जाने के पहले मैं सब कुछ रेडी कर दूँ, बस यही दिमाग में चल रहा था। शायद कुछ और भी सोच रही थी और इधर तवा मेरा हाई पे था, तो क्या हुआ। अच्छा, मैंने पलट के देखा तो देखा कि अरे तो थोड़ी देर और लेट करती ना तो जल जाती है। तो खैर कोई जली नहीं है, बिल्कुल ठीक है, खाने में भी अच्छी लग रही थी। और सुबह में इस तरह के ब्रेकफास्ट बनाना मुझे भी इजी लगता है ना, मतलब रोटी सब्ज़ी खाई तो नहीं जाती इतनी सवेरे, बच्चा भी ना 9:30 के करीब वो घर से निकल जाता है, उतनी सवेरे वो खाता नहीं है। वैसे भी उसकी आदत है 10-10:30 के करीब खाने की, तो इतनी सुबह वो नहीं कुछ खा पाता है। तो टिफ़िन में मैं इसको दे दूँगी, तो 10:30 के करीब उसकी ब्रेक वगैरह मिलती है, टिफ़िन ब्रेक वगैरह, तो वो खा लेगा इसको। और अभी वो सो रहा है, मतलब उठने का टाइम तो हो ही चुका है, अब उसके पापा उसको उठा रहे हैं जाके। और मैं आज क्या करूँगी, पनीर थोड़े से रखे हुए हैं फ्रिज में, उसको भी मुझे फिनिश करना है। तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि ये चीला बनाने के बाद मैं पनीर सैंडविच बनाऊँ, तो वही मैं साइड में भी प्रिपरेशन कर रही थी, पनीर को ग्रेट कर रही थी। प्याज तो मैंने बारीक चॉप करके सुबह ही रख दिए थे मैंने ज़्यादा करके, कि वो बाद में काम आएंगे, तो पनीर सैंडविच में वो काम आ जाएंगे मेरे। तो प्याज, हरी मिर्च पनीर में मैंने डाला और धनिया पत्ता आ चुका है मेरे फेवरेट, तो मैं हर एक रेसिपी में अब डाला करूँगी धनिया पत्ता। और ये देखिए चीला का सेकंड लॉट जा रहा है, फर्स्ट लॉट हो गया है, बस थोड़ा सा ही बना रही हूँ मैं, अगर 1-2 बज भी जाएंगे तो वो मैं खा लूँगी। और ये देखिए बस ये डालूंगी और फिनिश हो जाएगा ये लॉट, उसके बाद फिर पनीर सैंडविच बनाने की तैयारी करूंगी। हाँ, तो मैं जो बोल रही थी, पनीर के साथ मैं चॉप किए हुए प्याज और हरी मिर्च, धनिया पत्ता, इसको एक साथ मैंने डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैंने एक छोटी चम्मच के करीब मेयोनीज डाला है और फिर चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डाला है इसमें, मतलब इसमें नहीं, मतलब पनीर सैंडविच की मैं बात कर रही हूँ जो कि मैंने साइड में प्रिपरेशन करके रखा है ऑलरेडी। तो ये सब मैं अच्छे से जो है मसाला वगैरह तैयार करके रखी हूँ पनीर का, बस उसको ब्रेड के अंदर फिलअप करूँगी और मेरा पनीर सैंडविच बनके रेडी हो जाएगा। तो उसको सॉस के साथ आराम से आप खा सकते हो, चाय के साथ इंजॉय कर सकते हो, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है वो भी। तो आज मैं रोटी वगैरह नहीं बनाऊँगी क्योंकि 2 तरह की ब्रेकफास्ट मेरी ऑलरेडी बन चुकी है,
और लंच में आज बिल्कुल सिंपल सा ही बनाऊंगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में इतना सारा बन गया, मतलब दो तरह के, तो फिर लंच तो लाइट बनता ही है ना। तो ऐसे ही खड़े खड़े तो मेरे पांव दर्द होने लगते हैं, इतनी देर में नहीं खड़ी हो सकती हूँ एट ए स्ट्रेच। और मुझे आज बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने भी जाना है, तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो आके मुझे लंच बनाना है, उसको पहले मैं स्कूल ड्रॉप कर दूँगी, क्योंकि देख सकते हैं आप नींद से उठाए और अभी भी वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, अभी भी बोल रहा है मम्मा स्कूल छुट्टी है ना, छुट्टी है ना। तो वही है, आज के बाद से उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है एडजस्ट होने में लॉन्ग टाइम के बाद, तो ऐसा बड़ों के साथ भी होता है ना। तो ये देखिए, मैं उस पर अपने बेटे को दिखा रही थी कि ये मैं तुम्हें टिफ़िन में देने वाली हूँ तो उसका तो अभी नींद से उठा है, उसको अभी कुछ समझ नहीं आ रही है क्या है। तो ब्रश वगैरह अभी मैं करा दूँगी इन बिटवीन, मतलब ये बस चीला उतार के मैं उसको ब्रश कराने ले जाऊँगी। और थोड़ी थोड़ी सी ठंड अभी लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है ठंड, लेकिन हाँ मतलब फुल स्लीव वगैरह पहन के ले जाने की ज़रूरत अब आ पड़ी है। तो उसको अभी स्वेटर तो नहीं चाहिए इस मौसम में, अभी स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, हाँ लेकिन फुल स्लीव वगैरह ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नींद से उठने के बाद ना ठंड सी लगती है। और आप लोगों के उधर का वेदर, आप लोग कहाँ से देख रहे हो वो लोकेशन मुझे ज़रूर से बताइएगा, तो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगेगा। चाय बना रही हूँ मैं इधर साइड में, क्योंकि बिना चाय पिए तो मुझे अब हिला ही नहीं जाता है ज़्यादा देर में, खड़ी भी नहीं हो सकती, चाय तो चाहिए ही। तो वही चाय के साथ दो बिस्किट वगैरह यही ले लूँगी मैं, और सैंडविच अभी नहीं खाऊँगी। सैंडविच मैं उसको स्कूल ड्रॉप करके फिर आऊँगी जब घर, फिर मैं सैंडविच खाऊँगी। अभी मैं बस चाय और बिस्किट लूँगी। टाइम अभी ज़्यादा नहीं, 7:10-15 के करीब हो रहे हैं, और साढ़े मतलब 6:10 में मैं आज उठी हूँ। 6:10 के बाद मैं प्रिपरेशन वगैरह कर रही थी, तो यही करने में तो 20-25 मिनट्स हो ही जाते हैं, शॉपिंग वगैरह ये सब करने में, तैयारी वगैरह करने में, फ्रिज में क्या क्या है नहीं है स्टोर वो सब चेक करने में, तो ये सब छोटे मोटे काम करने में तो 20-25 मिनट लग ही जाते हैं। और ये बटर है जो कि मैंने सुबह ही निकाल के रखा था, पहले से नहीं निकाल के रखो ना तो ये मेल्ट नहीं होते हैं, और जब लगाने जाओ ना तो फिर आफत आ जाती है, मतलब बटर की ऐसी हालत रहती है कि फ्रिज में तो पूरी मतलब जम जाती है, पूरी पत्थर जैसी हो जाती है। तो तभी थोड़ी बहुत मेल्ट हुई है। और ये ओट्स का चीला बनाने में ना थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम लेती है, मतलब सूजी का उत्तपम के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा टाइम लगाती है कुक होने में। तो ये अच्छे से दोनों तरफ से ब्राउन होने तक सीख जाएगी, फिर मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। और उधर साइड में मैं मतलब सैंडविच के लिए देखिए ब्रेड के अंदर जो है ना मैं वो पनीर वगैरह मैंने फिलअप करके रखा है, संग संग वो भी तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे ही ये चिल्ला हो जाएगा मैं पनीर सैंडविच को इसमें चढ़ा दूँगी, क्योंकि मुझे 8:30 के करीब सब कंप्लीट करना है, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह बना के मैं रख दूँगी तभी मैं निकल पाऊँगी रेडी होके। तो उसकी स्कूल बिल्कुल पास में भी नहीं है, बाइक से जाने में तो लगता है 6-7 मिनट तो लग जाते हैं बाइक से, तो बाइक है तो अभी थोड़ा सा सुविधा है। तो यही है कि अगर पैदल जाओ ना तो फिर आफत आ जाएगी, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस ही है स्कूल का, तो बाइक है तो यही कंफर्टेबल है कि चलो जल्दी हो जाएगा सब कुछ। तो मैं नहीं जाती, बच्चा बहुत ज़िद कर रहा था कि मामा तुम्हें भी जाना है तभी मैं जाऊँगा ऐसे, तो उसको मैं स्कूल के अंदर जाके उसको बेंच पे बैठा के उससे बात करके फिर मैं आई हूँ। और टीचर से भी मैंने बात कर ली है कि उसको भी तो मतलब डेंगू वगैरह हो गई थी, तो वो भी बताना ज़रूरी था टीचर को, तो वो सब चीज़ें मैंने शेयर कर दी है टीचर के साथ। और ये देखिए बात करती करती चाय भी मेरी बन गई है, अब मैं चाय इन्जॉय करूँगी। और इधर मतलब हल्का सा बस बटर और काली मिर्च का पाउडर मैं रखती हूँ, उसको बस छिड़क दूँगी ऊपर से, ये चाय के साथ ना बहुत अच्छी लगती है, तो मैं एक ले लूँगी इसको चाय के साथ, मतलब ये बटर टोस्ट आप बोल सकते हो सिंपल सी, तो बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादा नहीं लूँगी, एक ही लूँगी, क्योंकि ज़्यादा ब्रेड खा लूँगी ना तो फिर वही
ज़्यादा ब्रेड खाने से भी तबीयत ख़राब वगैरह होने लगती है मेरी, तो एक ही लूँगी मैं, ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी। तो इसको थोड़ा सा मैं मतलब करारा होने तक सेक लूँगी। और बेटा बोल कर गया है कि मम्मा मुझे राउंड शेप का बना के देना टोस्ट, तो मैं उसके लिए राउंड कट करूँगी अभी, राउंड शेप। उसको अभी ये स्क्वायर वाला नहीं खाना है, राउंड शेप वाला खाना है। तो दोनों तरफ मैंने बटर लगा दिया है, अब ऊपर से सिर्फ काली मिर्च रखना बाकी है और हो जाएगा कंप्लीट। तो बीच बीच में ये सारे ब्रेकफास्ट भी अच्छे लगते हैं ना, मतलब बहुत दिनों बाद, मतलब हफ्ते में एक दिन तो चलता ही है, हफ्ते में एक दिन आप ब्रेड खा ही सकते हो, हर रोज़ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ये सब चीज़ें। तो ये देखिए काली मिर्च का पाउडर जो मैं ज़्यादा करके बना के रख लेती हूँ, कभी भी काम आ जाती है ये। और मैं ना पहले चीनी के साथ खाया करती थी, तो जब से मैंने ये टेस्ट किया ना काली मिर्च के साथ, और इसमें इसके ऊपर अगर आप हल्का सा मतलब काला नमक भी छिड़क दो तो बहुत मज़ा आ जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे तो अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा मैं खा लेती हूँ, एक ही खाती हूँ मैं, एक से ज़्यादा नहीं खाया जाता है। तो ये देखिए पनीर सैंडविच मैंने फिल कर दिया है, और साइड से मैं ये सब ब्राउन ब्राउन जो होते हैं ना ब्रेड की, ये मैं कट करके निकाल देती हूँ। ये मुझे भी पसंद नहीं आती, बेटे को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आती, तो जितना हो सक रहा है मैं हटा दे रही हूँ साइड का। तो मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं दो तरह का ब्रेकफास्ट ऐसे बनाऊंगी, लेकिन सुबह उठते ही ध्यान आया कि नहीं पनीर भी ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी फिर एक्सपायरी डेट आ जाएगी तो फिर मुसीबत आ जाएगी, फिर वो ख़राब होने लगेगी उससे पहले कि खा लिया जाए। और इसके में मैंने धनिया पत्ता, जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसमें मैंने क्या क्या डाला है, वो सब कुछ मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। अब तो अभी भी मैं थोड़ा सा बटर स्प्रेड करके एक एक करके इस पनीर सैंडविच को डालती जाऊंगी। इधर साइड में मैंने दूध भी चढ़ा दिया, तो सुबह में देख सकते हो आप किचन में की हालत मेरी मैसी सी हो गई है, तो ऐसे ही होता है। अभी किचन साफ करने की मुझे इस टाइम भी नहीं है, पहले मैं सारा ब्रेकफास्ट वगैरह कम्प्लीट कर लूँगी, फिर मैं एक ही बार में ये सब साफ करूँगी। वैसे तो स्टोव मेरी 3 बार साफ होती है, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, और रात को सोने से पहले और एक बार मैं क्लीन करती हूँ, मतलब 4 बार तो क्लीन हो ही जाती है ओवन वैसे मेरी। तो ये तो मतलब ब्रेकफास्ट बनाने के टाइम में तो ऐसा तो होगा ही, और ऊपर से अगर दो दो तरह के ब्रेकफास्ट बन रहे हैं, किचन तो वैसे मेरा कोई बड़ा है नहीं, बिल्कुल छोटा ही है, तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। इधर कैमरा भी मुझे रखना पड़ता है, उसके लिए भी मुझे जगह बनानी होती है। तो अभी कैमरा ना मतलब मेरा ये भी टूटने पर आया है, तो बच्चों के हाथ में लगते हैं ना तो ऐसे ही हो जाता है। ये लेकर मेरा दूसरा कैमरा है जो कि टूट रहा है, टूट गया है ये ऑलरेडी, क्योंकि ये इसमें मेरा फेस नहीं आता। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जानबूझ के ऐसा करें, ऐसा नहीं है, कैमरा सीधा ही नहीं होता, मतलब पीछे का जो भी उसका जो स्टैंड है ना वो बिल्कुल टूट गया है, तो अभी नीचे का ही बस आता है, तो ऊपर सीधा ऐसे नहीं रख पाती हूँ मैं, तो दूसरा कैमरा मुझे लेना पड़ेगा, तभी जाकर मैं मेरा फेस वगैरह सब कुछ आ पाएगा। और ये देखिए दूसरे पहला सैंडविच तो मैंने चढ़ा दिया है, अभी दूसरा मैं फिलअप कर रही हूँ। पनीर था अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा ही हो गया था ये, नहीं तो फिर मैं सोच रही थी पनीर पराठा बनाने के बारे में। नहीं बाबा नहीं, 3 तरह के ब्रेकफास्ट, मैं तो मेरी हालत ख़राब हो जाती आज, तो अच्छा हुआ मैंने नहीं बनाया, क्योंकि सोच रही थी कि एक दो मैं रख देती हूँ बाद में बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं इसमें मेयोनीज़ डाला हुआ है ना, तो फिर पनीर पराठा मैंने अवॉइड कर दिया। अगर मैं मेयोनीज़ नहीं डालती ना तो इसको मैं फ्रिज में रख देती, बाद में बनाती आराम से, लेकिन मेयोनीज़ डालने के बाद रखा नहीं जाता आई थिंक ना, आप बताना मुझे ज़रूर से कि आप लोग ऐसा करते हो मेयोनीज़ वगैरह लगा के क्या आप रखते हो स्टोर करके, क्या वो अच्छी होती है? मुझे तो नहीं लगता अच्छी होती है, तो इसी वजह से मैंने सारा फिनिश कर दिया है सैंडविच में डाल के। और जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की कंटेंट आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए।
और मेरा ब्लॉग जो भी देख रहे हो उनको बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। आपका प्यारा प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर से डालिएगा ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और भी ज़्यादा ब्लॉग मैं बना सकूँ आप लोगों के लिए। और मेरे लिए जो भी सजेशंस हो वो ज़रूर से बताइएगा। बस इसको दोनों तरफ से बटर लगा के सेक लेना है और ये बन जाएगी। बीच से आप कट भी कर सकते हो। तो मैं बेटे को हाफ ही दिया था खाने के लिए। जब वो खा रहा है तो मुझे बोल रहा है, मम्मा अंदर का जो भी पनीर वगैरह क्यों डाला तुमने, मुझे पनीर अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं। तो वो बिल्कुल भी पनीर नहीं खाया उसने, बस ऊपर ऊपर का ब्रेड ही खाया है। तो पनीर वगैरह तो मुझे भी उतना पसंद है नहीं, लेकिन वही है, खानी पड़ती है इसीलिए मैं खाती हूँ और घर में भी सबको देती हूँ। कभी कभार तो ये भी ज़रूरी होती है ना। तो तवे पे हल्का सा बटर मैंने पहले फैला लिया है, फिर उसके बाद मैं बटर दे रही हूँ। एक्चुअली ये मतलब अब मैं और मेरे हस्बैंड के लिए मैं ही बना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैं बटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल कम ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा बटर मुझे पसंद नहीं आती, बिल्कुल हल्की सी पसंद आती है। ये देखिए पलटते पलटते ये आराम से मैं सेक ले रही हूँ। सैंडविच तो बनाना बहुत ही ईजी है, कोई भी बना लेगा। वेजिटेबल सैंडविच भी, जैसे कि बहुत कोई ऑनियन के साथ बनाते हैं, ऑनियन डालते हैं, फिर उसमें क्यूकम्बर डालते हैं, ये सब भी देख के बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह में हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। तो मैंने भी वैसा बनाया है और मेरे चैनल में ऑलरेडी पोस्ट भी है। और लंच की तैयारी मैं अभी कर रही हूँ। तो स्कूल से आने के बाद मैंने स्नान वगैरह कर लिया है और मैं लंच की तैयारी में अभी लगी हूँ। तो आते ही मैंने भिंडी कट की और ये देखिए आलू और प्याज करी को मैंने कट करके रखा है। तो आज इसकी सब्ज़ी बना दूँगी, दाल बना दूँगी और बस हो जाएगा मेरा आज का लंच कम्प्लीट। और राइस तो बनेगी ही और भिंडी मेरी फ्राई हो चुकी है। और अभी मैं प्याज कली की सब्ज़ी बनाऊंगी, वो मैंने पिछले दिन जैसे बनाया था ना आपके साथ शेयर भी किया था। तो अभी मैं एक ही चीज़ तो रिपीट नहीं करूंगी, तो जैसे मैं कैसे बनाती हूँ तो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो इसमें मैं बस आज धनिया पत्ता डालूंगी, और पिछले दिन मैंने धनिया पत्ता नहीं डाला था क्योंकि मैं बस नहीं थी। तो धनिया पत्ता से तो और भी अच्छा स्वाद आ जाता है इस सब्ज़ी का।
और दाल मैंने सुबह ही मतलब भिगो के रख दिया था, एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं मतलब स्कूल जाने से पहले दाल में भिगो के गई थी। तो अगर आप 15 मिनट तक दाल को ऐसे भिगो के रखोगे ना तो दाल तो फूल जाती है और ज़्यादा भी क्वांटिटी में हो जाती है और जल्दी भी पक जाती है। तो संग धोकर मैं नहीं चढ़ाती हूँ दाल को, तो उधर साइड में मैं अभी दाल चढ़ा दूँगी। इसमें बस मैं अभी पानी अब डाल दूँगी, सब्ज़ी ऑलमोस्ट मेरी जो है फ्राई हो चुकी है, अब ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, ये सब्ज़ी बहुत जल्दी कुक हो जाती है और बिना प्याज लहसुन के ही ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है खाने में। और सुबह के ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी बना लो आप, बहुत ही यम्मी लगती है ये। तो उधर पानी मैंने चढ़ा दिया था, गरम हो चुका है पानी और अभी मैंने दाल को इसमें डाल दिया है। बस मूंग और मसूर की दाल मैं बना रही हूँ, दोनों को एक साथ मैंने धो के अलग से रख दिया था साइड में। तो ऊपर में जो भी इसका जो वाइट वाइट सा निकलता है ना फेना, उसको मैं हटा दूँगी, क्योंकि खुले में पकाने से यही है फ़ायदा कि ऊपर का जो भी निकलता है ना वाइट वाइट सा, उसको आप हटा सकते हो। अगर आप उसको नहीं हटाओगे ना तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, उसको हटाना भी ज़रूरी होता है। और नमक हल्दी और एक हरी मिर्च के साथ मैं इसको ढक के रख दूँगी, तब तक मैं दूसरे काम कर लूँगी। और बस लंच में मेरा आज यहीं तक मैं रहेगा और मैं आगे अभी और कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। और रात को अगर ज़रूरत पड़ेगी कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाने की तो वो मैं रात में बना लूँगी, लेकिन अभी के लिए मैं बस यहीं पर बंद करूँगी। मुझे थोड़ा सा अभी रेस्ट करना है क्योंकि सुबह उठी हूँ और लगातार खड़े रह के इस तरह से काम करने से ना थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा रिलैक्स करना भी ज़रूरी होता है ना। तो ये देखिए अभी मैं इसको हटा रही हूँ ऊपर का जो भी वाइट पार्ट है, और ये दाल बहुत जल्दी कुक भी हो जाएगी क्योंकि एक तो मैंने इसको भिगो के रखा है, ज़्यादा टाइम भी लेगी नहीं। और मूंग मसूर की दाल वैसे भी बहुत जल्दी कुक हो जाती है दूसरे दाल के अकॉर्डिंग।
तो दाल हो गई है अच्छे से बॉयल, और अभी मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। तो एक सूखी लाल मिर्च मैंने डाला है, और यहाँ पे डाला है मैंने काला जीरा। तो बहुत ही अच्छी लगती है इसकी फ्लेवर मुझे दाल में। और धनिया पत्ता मैंने कट करके रखा, उसको लास्ट में बस मैं ऐड कर दूँगी। और फ्रेंड्स, आज का ये लंच का व्लॉग मैं यहीं पे फिनिश करती। आई होप कि आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना मेरे इस चैनल को, और जाते जाते प्यारा प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलें, ताकि मुझे आगे और भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए नया नया व्लॉग्स मैं लेकर आऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा, टेक केयर, बाय।